आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का आसानी मेरे बहन भाइयों को मिल जाए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, फ़ौरन जो है आपका जो मैसेज है मुझ तक पहुँच जाए। और बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वज़ाइफ को पसंद किया। आज जो वजीफा है उससे पहले एक गुजारिश है कि इस्तखारा रूहानी इलाज के लिए अगर कोई भी मसला, कोई भी परेशानी, तो अपनी बहन को ज़रूर याद करें। किसी भी किस्म का मसला है, कारोबारी बंदिश, जादू, जिन्नात, साया, हसेब, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने जादू, काला जादू, सफ़ेद इलम और इस तरह का कोई किया, तो ज़रूर किसी के ऊपर जैसे जिन्नात दियो का शुबा है या साया है तो अपनी बहन को याद करें। कारोबार बंदिश के लिए अपनी बहन को याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगी और इस्तखारे में आपकी जितनी भी मुझसे हेल्प हो सके तो जरूर करूंगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। रमजान की आमद आने वाली है, अगला ये शबान है तो अब आगे रमजान है, तो माशाल्लाह मैं चाहती हूँ अभी से आपको अहदीस के बारे में बताना शुरू कर दूं ताकि आपको याद रहे कि आपकी बहन ने अहदीस में रमजान के बारे में क्या कहा था। रोजेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, अदल, हुक्मरान, रोजेदार, हत्ता के रोजा अफ्तार कर ले, और मजलूम की। ये जो अमल आज मैं बताऊंगी, इस अमल का तल्लक रमजान से भी है। रमजान के तीसरे रोजे, पहले रोजे से तीसरे रोजे, सातवें, ग्यारहवें, अठारहवें, उन्नीसवें, इक्कीसवें, पच्चीसवें, सताईसवें, उनतीसवें दिन को आज मैं एक ऐसा अमल आपको बताने लगी हूं कि अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो यकीन माने आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, जिसको भी मुसख़र करना चाहोगे इंशाल्लाह जरूर होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, तीन लौंग। आपको पता है बाजार से आराम से मिल जाती है लौंग, हर किसी को पता है तीन आपके लेनी है। अब एक अपने नाम की, एक जिनको मुसख़र और तस्खीर करना है उनके नाम की। हस्बैंड वाइफ हैं तो अगर बीवी है तो अपने शोहर के नाम की। एक अजाफी लौंग आपसी मोहब्बत के लिए, आपसी चाहत के लिए। कोई भी कितना भी बड़ा मसला है, अगर बॉस या फिर कोई ऑफिसर है, कोई सर है, तो एक अपने नाम की, एक अपने सर के नाम की। फर्ज करें कारोबारी बंदिश है, किसी से कर्ज लेना है, किसी को कर्ज देना है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने हैं, किसी रिश्तेदार को मनाना है, कोई नहीं मान रहा, एक उसके नाम की, एक अपने नाम की, और एक आपसी मोहब्बत, चाहत और तस्खीर मुजस्सब के नाम की। आपने तीन लौंग लेनी, ठीक है। काला धागा, तीन लौंगों को आपस में उसकी बैक से आपने तीनों को इकट्ठा करके बांध लेना है, ठीक है। बांधने के बाद एक मतलब कि धागा, जो काला धागा आप लेंगे ना उसकी डोरी बना ली दीजिएगा। तीन मरतबा आप उसको फोल्ड करोगे ना, एक डोरी बन जाएगी। आप उस डोरी को तीन लोगों के साथ बांध के ना अच्छी तरह गिरा लगा दें, कस के डोरी अब आपने एक मतलब कि एक फुट जितनी लंबी डोरी या आधे फुट जितनी लंबी डोरी भी आपने रखनी है साथ, लटक जैसे लटकती होती है जैसे कोई चीज ना ऐसे। आज मैं आपको जो वसीफा बताने लगी हूं बहुत ज्यादा मेरे बहन भाइयों की फरमाइश पे है। गलत इस्तेमाल नहीं करना, शरीयत का लिहाज रखना, मुसख़र करने का है, तस्खीर करने का है। तीन लोगों, जब आप लौंग का टाइम जो सा है वजीफा, इशा का टाइम, दिन कोई भी, रमजान का जो दिन बताए हैं उनमें, तो मैं कहती हूँ कि इस अमल के जो मौके हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह जो मुझे बताकर अमल करेगा उसके लिए मैं खुद भी पढ़ाई भी करूंगी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दुआ भी करूंगी, ये मेरा वादा रहा इंशाल्लाह। तो तरीका इसका यह है कि आपने पढ़ना क्या है, या अली, या अली पढ़ना, या अली है। पढ़ना कितनी दफा है, 101 मरतबा।
जब आपने 33 मरतबा पूछना है ना, तो आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसको आप तस्खीर मुजख्खर कर रहे हैं उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, फिर आपने पढ़ना या अली। फिर 33 मरतबा जब आए, फिर 3 मरतबा आप ऐसा करके पढ़िएगा। एक तस्बीह भी काफी होती है, लेकिन तस्बीह का ये हिसाब होता है कि 33 33 का हिसाब होता है, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 दफा 33 और 1 दफा 34 होगा, तो कोई मसला नहीं है। 3 दफा आपने पढ़ना है। पढ़ के अब लौंग जो आपने तैयार की है उसको अपने सामने बिल्कुल आपने रखना है, बिल्कुल मतलब कि धागा बेशक लटकने दे, हाथ में लौंग की जो बैक है ना वो पकड़ के ना आपने उसकी तरफ देख के अमल करना है। अब अपने हाथ में जब आप लौंग पकड़ के पढ़ाई करेंगे ना, उसके लौंग के ऊपर आप दम करते रहे, ठीक है, दम करते रहे। अब आपने क्या करना है, किसी भी जगह सुबह उठ के वो लौंग, एक ही दफा की पढ़ाई है, सुबह उठ के आपने लौंग को किसी गमले में या मट्टी में, ठीक है, दफन कर दें, या फिर कहीं ऊंची जगह जहां पे धूप पड़ती हो, तेज गर्मी की गर्माइश हो, ठीक है, वहां, नहीं तो चूल्हे के किसी भी जगह नीचे रख दें ताकि उसको सेक पड़ता रहे। जब तक उसको सेक पड़ता रहेगा, इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी उस शख्स को होगी जो जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है। एक दफा अपने इस बहन के कहने पर ये अमल जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी अमल की जरूरत नहीं होगी। कपड़ों का साफ होना, वुजू होना, नफल आप दिल चाहे तो तोबा के दो और तो हाजत के पढ़ के अमल करें, तो इंशाल्लाह गारंटी है इस बात की कि एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाजत दें। अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो जरूर अपनी बहन को याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्लाह खैरा।